आज हम आपको सबसे आसान तरीके से 1 और 5 यानी 15 नंबर और 2, 3, 4 नंबर की हेल्प से नेशनल फ्लैग और नेशनल बर्ड का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर 1 नंबर लिखिएगा, इसके बाद दोस्तों इधर आप ऐसे एक 5 नंबर आसानी से लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे के साइड में आपको लिखना होगा एक ऐसे 2 नंबर और इधर से लिख दीजिएगा बहुत ही आसानी से 3 नंबर। यही नीचे ही दोस्तों आपको लिखना होगा एक 4 नंबर। 1, 5 हो गया, 2, 3 और 4 नंबर। बहुत ही आसान होने वाला है, जल्दी से आप मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इसको आप थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ये हमारा लहराता हुआ तिरंगा बनेगा। दोस्तों यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन आप इधर से ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा आसानी से और इस लाइन को आप ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ से भी ऐसे लहराता हुआ आप लाइन एक बना दीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लगाकर इधर आप आसानी से दोस्तों ऐसे लाइन छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ था तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमें बताइएगा दोस्तों। और इधर से इसको ऐसे हल्का सा करके यहाँ पर यूँ मिलाइए और मिलाने के बाद दोस्तों जस्ट इसी के नीचे ही यहाँ से देखिएगा, इधर से आपको यहाँ पर मिलाना होगा, फिर इधर ऐसे मिलाइए और ये वाला पोर्शन यहाँ पर मिला दीजिएगा। इधर वाला आप इसको डार्क कर देंगे, ये हो गया। डार्क हो जाने के बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आप स्केल की मदद से ड्रॉ कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे और हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक दोस्तों इस लाइन को कर देना होगा डबल। यहाँ पर डबल करिए, छोटा सा प्यारा सा सर्कल यहाँ से एक ऐसे बनाइए, इधर से लाइन ड्रॉ करके छोटे छोटे पॉइंट लगा दीजिएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे, इसको यहाँ से यूँ मिला दीजिए। देखिए लहराता हुआ हमारा तिरंगा बनके तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे नेशनल बर्ड का चित्र, इधर से ऐसे घुमाएंगे, ऊपर के साइड में लाइन ड्रॉ करके छोटे छोटे ऐसे सर्किल बना दीजिएगा और इधर से इसको कर देंगे ऐसे डबल। यहाँ से यूँ मिलाइए, इसके बाद यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा। इसी के आगे ही आपको एक वी लेटर लिखना है और छोटा सा एक पॉइंट लगा दीजिए। देखिए कितना आसान है, एक आपको लगाना होगा दोस्तों। इधर से भी ऐसे आर्क बनाइएगा, इसको नीचे की तरफ बढ़ा देंगे, इधर से भी आप ऐसे लाइन को बढ़ा देंगे। 1, 2, 3, 4 लाइन ड्रॉ करिएगा, यहाँ से एक ऐसे सर्कल बनाकर इधर आप ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपको 24 लाइन काउंट करके ड्रॉ कर देना होगा। इधर से यूँ यहाँ पर हो जाएगा, इधर ऐसे ये। अब दोस्तों आपको यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हुए इसको आगे के साइड में बढ़ा देना है। इधर ऐसे ग्रास बना देंगे, देखिए कितना प्यारा सा हमारा तिरंगा और मोर का चित्र बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इन दोनों को आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।